Hello medical, welcome to Academically. Today I'm going to discuss basically the short-term medical specialty pathway. So if you are one of the medical doctors looking to market to Australia, so at Academically, we are here to help you. So in this video, I'm going to discuss in this short-term training, how you can apply and what are the qualifications there and what are the process to apply. This is in general the requirement. If you completed your MD or MS in your home country and you are a specialist in your home country, now you want to come to Australia for a short training. For example, if you are a surgeon, now if you want to do any specific surgery, you want to learn in Australia, so 1 to 2 years basically you can do for this training. So इसमें चलिए देखते हैं कि आप कैसे apply कर सकते हो. But the condition, you cannot get the registration in Australia, you cannot practice in Australia. So you need to go back to your home country after you got this training. This training के बाद में you cannot claim that you are going to get a registration in Australia. But इस केस में अच्छा है कि बहुत सारे लोग जो हैं चाहते हैं कि फॉरेन कंट्री से जो है कुछ एक ट्रेनिंग लेके आ जाए, तो यू नो इन दैट केस इज़ गुड एंड यू हैव टू गो बैक टू इंडिया. बट आप अगर ट्रेनिंग में आते हैं और इफ़ यू लाइक यू नो ऑस्ट्रेलिया, देन यू नो अगेन यू कैन गो फॉर यू नो दिस AMC 1 एंड AMC 2 और मे बी यू नो कैन यू कैन अप्लाई फॉर स्पेशलिस्ट पाथवे टू गेट रजिस्ट्रेशन यू नो. तो अगर आप इस ट्रेनिंग पर भी आ जाते हैं तो इट्स ऑल्सो वेरी गुड, आई कैन से द स्टेप फॉर यू. तो लेट चलिए अभी इसके स्क्रीन के ऊपर चलते हैं कि आप लोग कैसे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से कॉलेजेस हैं जहां पर आपको अप्लाई करना होगा. तो नाउ वी आर ऑन द लैपटॉप स्क्रीन, नाउ यू कैन सी दैट आई जस्ट टाइप दिस एंड यू कैन सी दिस द फर्स्ट जो लिंक आया है मेडिकल बोर्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया को, इसको ही हमें क्लिक कर देना है. और लेट्स सी के बेसिकली इफ यू सी हियर, दिस इज द शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग इन मेडिकल स्पेशलिटी पाथवे. आप सो यहाँ पर देख सकते हो कि आप लोग के एलिजिबिलिटी जो दिया गया है यहाँ पर के IMG who have a primary qualification medicine and surgery awarded by training institute recognized by the both Australian Medical Council and World Directory of Medical Schools. So आप यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो. बट इन ऑरेंज इफ यू आर फ्रॉम इंडिया, आपके सारे कॉलेज जो भी MCI से अप्रूव्ड हैं वो यहाँ पर भी इस लिस्ट के अंदर है. बेसिकली अगर आपकी ऑन गवर्नमेंट ने कॉलेज को अप्रूव किया हुआ तो इस लिस्ट में वो होता ही होता है, ठीक है. तो उसमें मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है. अब आप यहाँ देखिए करना है क्या है इसके लिए, तो प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन करना होता है आपके लिए यहाँ पर. तो उसके लिए यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि जो है पहले आपको एपिक वेरिफिकेशन करना है, वो करना है आपको ECF MG की वेबसाइट पे जाके आप लोग कर सकते हो उसके लिए, ठीक है. और उसके बाद फिर आपको जो है AMC की वेबसाइट पर जाकर अपना पोर्टफोलियो बनाकर सारे डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड कर देने हैं आप, तो ये दोनों का काम हो जाएगा. और आप वहाँ के जाके कर सकते हो आप AMC की वेबसाइट पर जाकर, एंड वी ऑलरेडी गिव दिस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप जहां से डायरेक्टली जा सकते हो इस वेबसाइट पे. अब देखते हैं कि हाउ टू अप्लाई फॉर द शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग इन ए मेडिकल स्पेशलिटी पाथ पे, है ना. तो इन जनरल कुछ नहीं है, जो मैंने बताया कि आपका अगर हो जाता है तो उसके बाद में एक फॉर्म है MBA फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, वो आपको फिल करना है. और इन सिंपल सा ये है कि आपको कौन कौन से कॉलेज में अप्लाई करना है वो देखना है. तो देखिए चलते हैं कौन कौन से कॉलेज हैं जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो. तो फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर ए सर्जन, आपने MBBS और MS किया हुआ है अपना होम कंट्री से, ये आप कर रहे हैं. हाँ मैं एक चीज़ बताऊँ भूल गया, यहाँ पर आप देखें कि इनकी जो एलिजिबिलिटी है ना, उन्होंने ये बताया हुआ है कि यहाँ पर जो या तो आप बेसिकली कर रहे हों या आपने कर लिया. और टू बी एलिजिबल शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग इन मेडिकल स्पेशलिटी पाथवे IMG मस्ट हैव कम्प्लीटेड देयर स्पेशलिटी ट्रेनिंग और बी मोर इन सेकेंड ईयर. मतलब अगर आप या तो आपने MS कंप्लीट कर लिया है, यू आर इन सेकेंड ईयर ऑफ योर MS एंड स्टिल यू कैन अप्लाई फॉर दिस यू नो. एंड इन एडिशन IMG हैव सिक्योर्ड इन ऑफर ट्रेनिंग पोजीशन बिफोर अप्लाइंग फॉर बोर्ड ऑफ एडमिशन. मतलब आपको पहले यहाँ से जाके अप्लाई करना है इन कॉलेजेस में. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप जाएंगे, ये है रॉयल ऑस्ट्रेलियन कॉलेज ऑफ सर्जन, तो जितने भी सर्जन हैं वो यहीं से ही अप्लाई करेंगे. आप लोग जहाँ पर जा सकते हो कि अपनी जो है वेबसाइट के ऊपर, और फिर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज वगैरह और जहाँ जो है ना सर्च है यहाँ पर कौन से में आपको करना है, यू नो जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, और पता बहुत सारी आपको स्पेशलिटीज यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, ठीक है. मैं जस्ट एक एग्जांपल दिया आपके लिए. अगर आपको यू नो यहाँ पर अगर आपको रूरल कॉलेज ऑफ रूरल एंड रिमोट मेडिसिन में करना है, यू नो या आप रेडियोलॉजिस्ट हैं या सेक्रेटरी है, तो यहाँ पर हर एक जो है उसका अलग ही एक कॉलेज बनाया गया है यहाँ पर. रॉयल कॉलेज ऑस्ट्रेलियन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस बेसिकली यू नो जो जनरल मेडिसिन वाले यहाँ पर अप्लाई करेंगे.
रॉयल कॉलेज ऑफ पैथोलॉजिस्ट का उन्होंने एक अप्लाई बनाया हुआ है यहाँ। तो ऐसे आप देख सकते हो कि जिस भी उसमें आप लोग आ रहे हैं, आपका ऑक्यूपेशन है जिसमें आपने MS या MD किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं ना। और ये 2 साल का, जैसे हाँ, 2 ईयर ट्रेनिंग एंड यू नीड टू गो बैक टू योर होम कंट्री, और साइमल्टेनियसली अगर आपने इसमें अगर आपको मिल जाता है देन देर इज अ वेरी गुड चांस फॉर यू टू अप्लाई फॉर ए स्पेशलिटी पाथवे, एंड इन दैट देर इज नो नीड टू राइट AMC 1 एंड AMC 2, यू कैन बी डायरेक्टली कैन बी स्पेशलिस्ट इन ऑस्ट्रेलिया। सो माई असेसमेंट इज फॉर यू, इफ यू हैव एक्सपीरियंस अराउंड लेस देन 5 ईयर्स और अराउंड 5 ईयर्स, देन यू कैन गो फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग पाथवे, एंड इफ यू हैव मोर देन दैट देन यू कैन ट्राई फॉर स्पेशलिस्ट पाथवे इफ यू कम्प्लीट योर MD और MS इन योर होम कंट्री, एंड ट्राई टू डू सम रिसर्च, मेक योर CV यू नो वेरी गुड आई कैन से इन टर्म्स ऑफ, इट्स नॉट जस्ट द क्लिनिकल एक्सपीरियंस, दे ऑल्सो सी सम सॉर्ट ऑफ रिसर्च ट्रेनिंग, आपने कितने बच्चों को जो है ट्रेन किया है ना, ये सारी चीजें जो है देखी जाती हैं। ये आपकी एप्लीकेशन के लिए डेफिनेटली हेल्प करता है ना। तो आप लोग आप देख सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन लीव ए कॉमेंट बिलो, सो आई विल ट्राई टू रिप्लाई और आई विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो ऑन। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, बाय।